हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 21 से लेकर के 30 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। देखिए, सबसे पहले कुछ चर्चित स्थानों पर चर्चा करेंगे। पहले नंबर पर है आपका क्रोकोडाइल पार्क। क्रोकोडाइल पार्क यानी मगरमच्छ पार्क। देखिए, अभी बिलासपुर जिले के रतनपुर के समीप मौजूद है आपका एक खूंटाघाट जलाशय, खूंटाघाट जलाशय या खूंटाघाट डैम, जहां पर मगरमच्छों की संख्या बहुतायत में है। ठीक है, ये जो खूंटाघाट जलाशय है, यहाँ पे मगरमच्छों की संख्या बहुतायत में है, जिस कारण से इस क्षेत्र को क्रोकोडाइल पार्क के रूप में विकसित किए जाने की बात चल रही है। ठीक, जहाँ पर प्राकृतिक तौर पर इन क्रोकोडाइलों के लिए एक पार्क बनाया जाएगा, एक बेड़ा बनाया जाएगा। देखिए, इस जलाशय में जो है क्रोकोडाइल की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण ये जो क्रोकोडाइल है इस क्षेत्र से निकल करके, इस जलाशय से निकल करके आसपास के जो गाँव है वहाँ के तालाबों में चले जाते हैं, जिससे क्या है, इंसानों में और वहां पर रहने वाले जानवरों में इस मगरमच्छ से उन पर खतरा बना रहता है। तो सरकार द्वारा इसे, जो आपका खूंटाघाट जलाशय है, उसे मगरमच्छों के प्राकृतिक रहवास के रूप में डेवलप किए जाने की बात चल रही है, लेकिन याद रखिएगा यह अभी विवाद में है। विवाद में है मतलब सरकार एक तरफ कह रही है कि इसे विकसित किया जाएगा क्रोकोडाइल पार्क के रूप में, लेकिन वहीं के जो डीएम है वो इससे विकसित किए जाने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका खूंटाघाट जलाशय है, ये मगरमच्छों का प्राकृतिक रहवास है, जिसके कारण इसे क्रोकोडाइल पार्क के रूप में विकसित किए जाने की बात चल रही है। अभी विकसित हुआ नहीं है, केवल बात चल रही है, थोड़ा विवादों में है। ठीक, देखिए, मगरमच्छों का प्राकृतिक रहवास या प्राकृतिक आवास अगर ये एक क्रोकोडाइल पार्क के रूप में बन जाता है, तो बिलासपुर जिले में कोटमी सोनार के बाद ये उस जिले का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क होगा। देखिए, बिलासपुर जिले में जांजगीर चांपा की सीमा से लगे हुआ एक जगह है आपका कोटमी सोनार, जो कि मगरमच्छों का प्राकृतिक रहवास है, वहां पे भी एक प्राकृतिक क्रोकोडाइल पार्क मौजूद है। ठीक, अगर ये खूंटाघाट जलाशय वाला क्रोकोडाइल पार्क बन जाता है, तो बिलासपुर जिले का दूसरे नंबर का आपका क्रोकोडाइल पार्क होगा। कौन सा? खूंटाघाट जलाशय। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तक्षक सांप। तक्षक सांप जिसे कहा जाता है उड़ने वाला सांप, ग्लाइडिंग स्नेक्स। ठीक, उड़ने वाला सांप। देखिए, ये जो तक्षक सांप है, ये तक्षक सांप अभी हाल फिलहाल में बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ियों में देखा गया है। हमारे प्रदेश में ये जो तक्षक सांप है, ये इसका जो प्राकृतिक रहवास है वो बोला जाए तो वो है आपके तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर जिले के तीरथगढ़ जलप्रपात के आसपास के क्षेत्र में तक्षक सांप देखा गया है। अभी हाल फिलहाल में बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा जिले में भी इस सांप को देखे जाने की बात सामने आई है। देखिए, ये जो तक्षक सांप है, इसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में, इस सांप का उल्लेख है। समझिएगा, ये एक उड़ने वाला सांप है जो अपनी मांसपेशियों में हवा भरकर लगभग 50 से 60 फीट तक की उड़ान भर सकता है। इसे उड़ने वाला सांप कहा जाता है, जो अपनी मांसपेशियों में हवा भर करके लगभग 50 से 60 फीट तक की दूरी तक ये हवा में उड़ान भर सकता है। ठीक, इसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इस सांप का उल्लेख है। थोड़ा सा बता देता हूँ स्टोरी। देखिए, ये जो तक्षक सांप है, जो एक श्रृंगी ऋषि रहते हैं, वो पारीक्षित नामक राजा को एक श्राप दिए रहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु एक इस तक्षक सांप के काटे जाने से होगी। ठीक, ऐसा होता भी है, ये तक्षक सांप पारीक्षित राजा को काटता है और उस राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उस राजा का बेटा इन सांपों को मारने के लिए एक यज्ञ करवाता है और यज्ञ में आहुति डालता है, तो आसमान से बहुत सारे तक्षक सांप आपके उस यज्ञ कुंड में आकर के गिर के जल करके मरने लगते हैं, जिसके पश्चात ये तक्षक सांप इंद्र की मदद से, जो ऋषि आस्तिक रहते हैं उनकी सहायता से इन चीजों को रुकवाने के लिए उनके पास जाते हैं, तो जो ऋषि आस्तिक है अपने मंत्रों से इन सांपों को यज्ञ में गिरने से रोकते हैं और उन्हें हवा में ही रुकवा देते हैं और वो सांप उड़ करके इधर उधर, यज्ञ में न गिर करके इधर उधर कहीं चले जाते हैं। तो तब से माना जाता है कि इस सांप को उड़ने का वरदान प्राप्त है, ये पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है, लेकिन एक्चुअली में ये अपनी मांसपेशियों में हवा भर करके लगभग पेड़ों से ही 50 से 60 फीट तक की ऊंचाई तक, आपका मतलब 50 से 60 फीट तक की दूरी तक आपके आसमान में हवा भर के उड़ सकता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा तक्षक सांप, जिसका प्राकृतिक रहवास कहाँ पर है, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिला, और दूसरा है आपका बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में बाघ और वन भैंस, प्रदेश में बाघ और वन भैंसों की संख्या, देखिए अभी एक नए आंकड़े सामने आए हैं जो हमारे वन मंत्री है मोहम्मद अकबर, उनके द्वारा एक बैठक ली गई वन विभाग के लोग, वन विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन लोग के साथ। तो देखिए उस बैठक में ये बातें सामने आई है कि जो हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या अखिल भारतीय बाघ वन रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में बाघों की संख्या 19 से क्लियर है, लेकिन प्रदेश में अभी वर्तमान में जो हमारा राजकीय पशु वन भैंसा है उसकी संख्या है आपकी 35। ठीक, वन भैंसे की संख्या हमारे प्रदेश में है 35। देखिए ये आंकड़े तब कब निकल के सामने आए, जब आपकी जो वन विभाग के अधिकारी और हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा जब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, तब उसमें जो बाघों की संख्या और हमारे राजकीय पशु वन भैंसे की संख्या को बढ़ाए जाने की बात रखी गई, उसमें ये आंकड़े निकल के सामने आए कि हमारे प्रदेश में जो बाघों की संख्या है वो आपकी 19 है। स्पेशली इन बाघों की संख्या को बढ़ाए जाने के लिए जो अचानक मार टाइगर रिजर्व है वहां के 25 गांवों को व्यवस्थापित किया जा रहा है, एक जगह से हटा करके दूसरे जगह उन गांवों को बसाया जाएगा। ठीक, वैसे ही हमारे प्रदेश में जो वन भैंसों की संख्या है, वन भैंसों का जो एक्चुअली संरक्षण होता है वो उद्यंती अभयारण्य या उद्यंती सीता नदी आपके टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इन वन भैंसों का संरक्षण होता है। इसके साथ साथ एक तो उद्यंती अभयारण्य में, सीता नदी अभयारण्य में और साथ ही साथ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ये वन भैंसों की टोटल संख्या 35 आकलित की गई है। ठीक है, वर्तमान में यदि पूछा जाए तो हमारे प्रदेश में राजकीय पशु वन भैंसों की संख्या कितनी है, तो वो 35 है, जिसमें उद्यंती अभयारण्य के अंतर्गत ही आपके 9 वन भैंसे शामिल है, जिसमें से 8 नर और 1 मादा वन भैंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तेंदू पत्ता संग्रहण, अभी इस लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रदेश में 25 अप्रैल 2020 से इस तेंदू पत्ता के संग्रहण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक, जिसमें पारिश्रमिक दर निर्धारित है आपका 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। ठीक है, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा। मानक बोरा क्या होता है, तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में आपके 50,000 तेंदू पत्ते रखे जा सकते हैं। पीएससी का पूछा गया प्रश्न है, तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदू पत्ते होते हैं, तो याद रखिएगा तेंदू पत्ते के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदू पत्ते होते हैं, आया हुआ प्रश्न है, पीएससी में लगातार 2 साल आया था ये प्रश्न। ठीक, तो जो इस बार जो पारिश्रमिक दर जो निर्धारित की गई है वो है 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा, यानी एक मानक बोरा के पीछे जो तेंदू पत्ता संग्राहक है उन्हें 4,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, लक्ष्य इस सीजन में या इस वित्तीय वर्ष में जो तेंदू पत्ता जो खरीदी का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है वो है 16,71,700 मानक बोरा, यानी सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में आपका 16,71,700 मानक बोरा खरीदे जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, देखिए भुगतान, तो इतने सारे तेंदू पत्ते खरीदे जाने के लिए सरकार ने लगभग 650 करोड़ रुपए की भुगतान करेगी, लगभग 13 लाख तेंदू पत्ता संग्राहक मौजूद है हमारे प्रदेश में एट प्रेजेंट, पंजीकृत जो पंजीकृत संग्राहक है तेंदू पत्ते के उनकी संख्या है 13 लाख, जिन्हें लगभग 650 करोड़ रुपए की राशि उन्हें पारिश्रमिक दर के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, लक्ष्य कितना है उसे याद रखिएगा, 16,71,700 मानक बोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में धान की खरीदी, आप सभी को मालूम है कि जो खरीफ वर्ष है, खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2020 तक धान की खरीदी की गई। हमारे प्रदेश में जो आपका धान की खरीदी खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 1 दिसंबर 2019 से लेकर के 15 फरवरी 2020 तक धान की खरीदी की गई। देखिए इसमें जो धान की खरीदी किस दर से की गई, यानी किस रेट से की गई, तो समझिएगा जो सामान्य धान की खरीदी है वो 1,815 रुपए प्रति क्विंटल, और जबकि ग्रेड ए जो धान है उसे 1,835 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हमारे प्रदेश सरकार ने खरीदा। खरीदी का कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, इसके बाद जो आंकड़े सामने आए हैं तो इस खरीफ वर्ष 2019-20 में हमारे प्रदेश में
83.67 लाख मीट्रिक टन, ठीक 83.67 लाख मीट्रिक टन, 83.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है इस खरीफ वर्ष 2019-20 में, ठीक है। तो इस डाटे को याद रखिएगा, 83.67 यानी 83.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई इस खरीफ वर्ष में। नेक्स्ट देखिए, विदेशी उद्योगों को सैद्धांतिक मंजूरी। हमारे प्रदेश में विदेशी उद्योग या विदेशी निवेशों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। समझिएगा, अभी लॉकडाउन का समय है और कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसका मेन जो आपका सेंटर पॉइंट रहा या मेन केंद्र रहा वो है आपका चाइना, जिसके कारण जो है इस कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए चाइना से जितनी भी कंपनी है, जितनी भी विदेशों की कंपनियां हैं, वो चाइना को छोड़ करके अब जा रही है। तो प्रदेश और दूसरी ओर हमारे छत्तीसगढ़ में जो है विदेशों का निवेश यानी विदेशी कंपनियां बहुत कम है। तो प्रदेश सरकार और जो हमारा उद्योग विभाग है, दोनों के द्वारा एक कार्य योजना तैयार किया गया है, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है, जिसके पश्चात अब हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां आ करके अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। विभिन्न सेक्टरों की कंपनियां और पर्टिकुलर टारगेटेड देश, मतलब उस देश की कंपनियां हमारे छत्तीसगढ़ में आ करके अपनी कंपनी स्थापित कर सकती है, ठीक है। समझिएगा, सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, लेकिन कौन कौन से सेक्टर है उन सेक्टर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ऑटोमोबाइल सेक्टर, आयरन एंड स्टील, भारी इंजीनियरिंग यानी हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वायर एंड ऑप्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर एवं ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एक है टेक्सटाइल्स और एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो ये सारे सेक्टर है, कौन कौन से है देखिएगा, ऑटोमोबाइल, आयरन एंड स्टील, हैवी इंजीनियरिंग या भारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वायर एंड ऑप्टिकल फाइबर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ठीक। तो इस पर्टिकुलर इसी सेक्टर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आकर के अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। यदि हम बात करें तो कौन से देश की कंपनियों को मेन टारगेट किया गया है, अमेरिकी कंपनी, जापान की कंपनी, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम, इन्हें पहली प्राथमिकता प्रदान की जाएगी यहां कंपनी स्थापित करने के लिए। तो इन्हें सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी। हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 23 लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है, ठीक है। हमारे प्रदेश में अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट या इस सीजन में आपके 23 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। अब समझिएगा, ये आंकड़ों को समझिएगा, अभी ट्राइफेड के द्वारा एक आंकड़े सामने आए हैं। ट्राइफेड क्या है, द ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जैसे कि हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी मार्कफेड के द्वारा की जाती है, वैसे ही लघु वन उपजों की जो खरीदी है वो ओवरऑल इंडिया लेवल पर, छत्तीसगढ़ की नहीं, ओवरऑल इंडिया लेवल पर ये जो लघु वन उपजों की खरीदी है वो करती है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है द ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। इसके आंकड़े सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि इस सीजन में अब तक हुए लघु वन उपजों की खरीदी में पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश भर में अब तक इस सीजन में आपका 18.67 करोड़ मूल्य के आपके लघु वन उपजों की खरीदी की गई है, जिसमें सर्वाधिक खरीदी हुई है हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए, पूरे भारत भर में 18.67 करोड़ मूल्य के लघु वन उपजों की खरीदी हुई है, जिसमें से अकेले छत्तीसगढ़ से ही 18.63 करोड़ मूल्य के लघु वन उपजों की खरीदी की गई इस सीजन के लिए, ठीक। सेकेंड नंबर पर है झारखंड, जहाँ पे 3.39 लाख यानी 3.39 लाख मूल्य के आपके लघु वन उपजों की खरीदी की गई, जबकि थर्ड नंबर पर उड़ीसा, जहाँ पे मात्र 5,000 रुपये मूल्य के लघु वन उपजों की खरीदी की गई है, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया में 18.67 करोड़, ठीक, 18.67 करोड़ मूल्य के लघु वन उपजों की खरीदी की गई, जिसमें सर्वाधिक हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ 18.63 करोड़, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, और इस आंकड़ों को याद रखिएगा, 23 लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राम वनगमन पथ के अंतर्गत एट प्रेजेंट 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है। देखिए, जो लोग इकोनॉमिक सर्वे का जो PDF लिए हैं उन लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लास्ट चैप्टर है छत्तीसगढ़ का, लास्ट चैप्टर जो है, और लास्ट ईयर में जो जुलाई टू दिसंबर वाला जो करंट अफेयर का जो PDF भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया,
बताया था उसमें इनकी संख्या मैंने 8 बताई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा एक और स्थान बजट में शामिल किया गया है। जो इस साल जो बजट आया, बजट आपका 2020-21, उसमें इन 8 स्थानों के साथ एक और स्थान है जिसे राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किए जाने के लिए शामिल किया गया है। ठीक, तो पहले जो 8 स्थान है वो मैं करंट अफेयर में आप लोग कवर करा चुका हूं। अब इस 8 स्थान के साथ एक और स्थान जोड़ा गया है आपका रामाराम। रामाराम ये भी रामायण कालीन पौराणिक स्थल है। उन 8 स्थानों के साथ इस 9वें स्थान का विकास भी प्रथम चरण में राम वन गमन पथ के रूप में किया जाएगा। तो रामाराम कहां पर स्थित है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके सुकमा में। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंतर्गत ये राम वन गमन पथ के अंतर्गत ही इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र, अरे आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आपके सिरपुर को, सिरपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इसे अलग से याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम, ये चकमक अभियान क्या है? लॉकडाउन की अवधि में बच्चे घरों में रह करके परिजनों के साथ रचनात्मक गतिविधियां सीख सके। लॉकडाउन की अवधि के दौरान बच्चे जो है घरों में रह करके अपने परिजनों के साथ यानी अपने पेरेंट्स के साथ रचनात्मक गतिविधियां सीख सके, उसके लिए लाया गया है आपका चकमक अभियान। रचनात्मक गतिविधियां मतलब कोई एक तरीके का प्रोजेक्ट इन द सेंस ड्राइंग बनाना या आपका एक मॉडल आपका घर बनाना या हाउस बनाना, ऐसे टाइप की कुछ रचनात्मक गतिविधियां सीख सके, इसके लिए लाया गया है आपका चकमक अभियान और साथ ही साथ सजग कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य पोषण और समग्र विकास के लिए घरों तक बढ़ावा दिया जाए। यानी बच्चों को, देखिए बच्चों को अब लॉकडाउन के समय बच्चे सभी घर में मौजूद है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के घरों तक पहुंच करके उन्हें स्वास्थ्य पोषण तथा समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो दोनों जो आपके कार्यक्रम है यानी चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम, ये दोनों के दोनों आपका हमारे प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा तथा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्था है यूनिसेफ, दोनों के संयुक्त प्रभाव से इसे संचालित किया जाएगा। ठीक है, देखिए इस दोनों अभियान को प्रारंभ जब किया गया तो उस समय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो आपके भूपेश बघेल जी, उन्होंने दो पुस्तकों का विमोचन भी किया। एक है मोद दोल डाका और दूसरा है पाहिल डाहक। देखिए मोद दोल डाका और आपका पहिल डाहक, ठीक, पहिल डाहक, ये जो दो पुस्तकें हैं, देखिए इनका नाम थोड़ा अटपटा है, एक्चुअली ये आपके हलबी और गोड़ी भाषा में, ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये आपकी हलबी एवं गोड़ी बोली में इन पुस्तकों को विमोचित किया गया, यानी इन पुस्तकों को लॉन्च किया गया है। इसमें जो भाषा यूज किया गया है इन पुस्तकों में वो है आपकी हमारी जनजातीय भाषा हलबी और गोड़ी। ठीक है, तो याद रखिएगा मोददोल डाका और पहिल डाहक ये कौन से भाषा में है, तो ये हलबी और गोड़ी भाषा में विमोचित की गई एक पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत जो आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में अपने लक्ष्य को यानी जो सृजित मानव दिवस का जो लक्ष्य प्रदान किया गया था हमारे प्रदेश को, तो उस सृजित मानव दिवस के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। समझिएगा, देखिए सृजित मानव दिवस या सृजित रोजगार दिवस, यानी हमारे प्रदेश को, देखिए प्रदेश सरकार को इस वर्ष यानी इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 करोड़ रोजगार दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य दिया गया था। ठीक है, इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में हमारे प्रदेश सरकार को जो केंद्र सरकार ने 13 करोड़ आपका रोजगार दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य दिया था। ठीक, तो इस वित्तीय वर्ष में हमारे प्रदेश सरकार ने इस 13 करोड़ से आगे बढ़ करके 13 करोड़ 61 लाख, ठीक, 13.61 करोड़, 13 करोड़ 61 लाख के आसपास हमारे प्रदेश सरकार ने रोजगार दिवस सृजित किया, यानी इतने दिनों का रोजगार लोगों को उन्होंने उपलब्ध कराया। यानी जो इनको लक्ष्य दिया गया था तो इन लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त करने में जो इनका यदि प्रतिशत हम देखें तो 105%, यानी जो उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो उनका परसेंटेज रहा वो है आपका 105%। ठीक, यानी कुल रोजगार दिवस जो उनको प्रदान किया गया था तो उन्होंने 105% आपका रोजगार दिवस उपलब्ध कराया, स्वीकृत रोजगार दिवस का 105%। ठीक, यानी टोटल जो उन्होंने उपलब्ध कराया रोजगार दिवस वो है आपका 13.61 करोड़, 13.61
6.1 करोड़ इतने दिन का उन्होंने रोजगार दिवस सृजित किया। ठीक, देखिए तो इस मनरेगा के अंतर्गत जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पहले नंबर पर है केरल, दूसरे नंबर पर है नागालैंड, तीसरे नंबर पर है मेघालय और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ अपने मतलब ये मानव रोजगार दिवस सृजित करने के मामले में पूरे ओवरऑल इंडिया में रहा आपके चौथे स्थान पर। देखिए अभी एक और मनरेगा का रिपोर्ट आया है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें बोला गया है कि जो रोजगार दिए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, लेकिन वो कौन सा रोजगार है? वो इस वित्तीय वर्ष के दौरान जो लॉकडाउन का जो समय रहा, लॉकडाउन के समय आप सभी को मालूम है कि सारे कार्य बंद थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर है, जो अकुशल श्रमिक है, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया, तो उस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ अव्वल रहा। लेकिन यहां बात हो रही है पिछले वित्तीय वर्ष की, पिछले वित्तीय वर्ष में यानी वर्ष 2019-20 में कुल रोजगार मानव दिवस सृजित करने के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर रहा। ठीक, दोनों आंकड़े अलग अलग है, उस आंकड़े को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जितने भी आंकड़े बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।